हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं खुद भी अपने घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन्हीं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से हम अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं और घर की बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी टिप है शिमला मिर्च को लेके। जब भी हम मार्केट से शिमला मिर्च लाते हैं और फ्रिज में हम रखने के बाद भी शिमला मिर्च में ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप शिमला मिर्च लाएं तो उसको अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और उसके बाद में आपके पास में इस तरह की पॉलीथिन हो तो आप उसको चारों तरफ शिमला मिर्च पे इस तरह से कवर करके और फिर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास में घर में इस तरह की पॉलीथिन ना हो तो जो सब्जी वाली पॉलीथिन आती है उसमें भी आप इसको इस तरह से रैप करके और फ्रिज में इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होगी, जैसे कि तैसी ये शिमला मिर्ची फ्रेश बनी रहेगी। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो हमें जब टाइम होता है और नेल पेंट हम अपनी नेल्स पे अप्लाई करते हैं तब तो हम इसको सुखा लेते हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है और नेल पेंट हम जल्दी जल्दी में अप्लाई करते हैं लेकिन वो सूख नहीं पाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी नेल पे इस तरह से नेल पेंट अप्लाई कर लीजिए और आपको लेना है बिल्कुल चिल्ड पानी। आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड पानी लिया है और इसमें आप इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए अपने नेल्स को डीप करके रखिए, तो आप देखेंगे कि जो नेल पेंट आपने अप्लाई की है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो तो नेल पेंट लगाने के बाद में आप ये टिप ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहनना दोनों ही पसंद करते हैं। तो अगली टिप है मेरी ज्वेलरी को लेके। आपके पास में किसी भी तरह की ज्वेलरी हो, आप उसको पहन कर जाते हैं और इस तरह से बाहर रख देते हैं तो हम उसको रख कर भूल जाते हैं और वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जो उसकी शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का सिल्वर फॉइल ले लीजिए और आपके पास में जो भी ज्वेलरी है उसको आप इस तरह से कवर करके रख दीजिए, तो आप देखेंगे जैसी आपकी ज्वेलरी की शाइन है वो जैसी की तैसी रहेगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो जब भी हम बाउल में चम्मच रखते हैं तो वो सब्जी में इस तरह से अंदर तक गिर जाती है और पूरी जो चम्मच होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपके साथ में एक छोटा सा टिप शेयर करूँगी। आपको इस तरह का एक रबड़ ले लेना है, आसानी से हमारे घर में ये रबड़ अवेलेबल हो जाता है, और आप स्पून से इस तरह से इसको लपेट लीजिए। और ये देखिए, अब इसको हम बाउल में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी चम्मच अंदर नहीं जाएगी, आपकी जो भी सब्जी है या कोई भी डिश है उसके अंदर चम्मच अंदर नहीं जाएगी और बहुत ही आसानी से आपको चम्मच बाउल में ही ऊपर मिल जाएगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगली टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम आटा लगाएंगे चॉपर से। जो भी बॉय है या बैचलर है, गर्ल्स है, उनको आटा लगाने में तकलीफ होती है या फिर सर्दी है अभी और सर्दी में कभी कभी हमारा मन नहीं होता है कि हाथ से आटा लगाएं, तो इस तरह का आपको चॉपर ले लेना है जिससे हम प्याज चॉप करते हैं, टमाटर चॉप करते हैं, यही वो चॉपर ले लेना है और इसमें आपको आटा डाल देना है। और यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बार हम इसका जो ये ढक्कन है इसको लगा कर आटे के अंदर नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढक्कन को खोल देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से यहाँ पर आपको पानी ऐड नहीं करना है। और फिर इसका चॉपर का हम ढक्कन लगा देंगे और इसके बाद में हम ये जो चॉपर की रस्सी है इसको हम चलाना शुरू करेंगे। बीच बीच में हम यहाँ पर पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को भी चेक करते जाएंगे। और फिर दोबारा से हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा कर आटा लगाकर तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आटा लगकर तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पर हाथ से आटा लगाने में 10 से 15 मिनट लगती है लेकिन चॉपर से हम केवल 1 मिनट में ही यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो आटे का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम चॉपर से बाहर निकाल लेंगे।
तो ये देखिए, हमने आटे का जो डो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। ना ही हमें इसमें पानी में हाथ देना पड़ा, ना ही हमें इसको गूंदना पड़ा, ना ही इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह से आप कड़ाके की सर्दी में आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। जो भी बैचलर है या फिर कोई गर्ल्स है जिनको आटा लगाना नहीं आता है, तो आप इस तरह से चॉपर की हेल्प से आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी हरी मिर्च को कट करने में। तो जब भी हम हरी मिर्च को कट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जेलस होती है, हथेलियाँ हमारी जलने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का फोग ले लेना है कि ये घर में सबके आसानी से मिल जाएगा। और फोग के अंदर आपको इस तरह से हरी मिर्च को लगा लेना है और फिर आप इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हरी मिर्च को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ आप हरी मिर्च को कट कर रहे हैं वहाँ पर आपको उसको टच भी नहीं करना होगा और इस तरह से आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी। तो बड़ी साइज़ की मिर्ची है तो आप उसको बीच में से कट कर लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में या बड़े पीसेज में जैसे चाहे आप वैसे कट कर सकते हैं। और जब इसका लास्ट का एंड हो जाए हरी मिर्च का, तो आप इसको फोक से इस तरह से आगे और खिसका लीजिए और बहुत ही आसानी से हरी मिर्च को कट कर लीजिए। तो आई होप आपको मेरी आज की ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की टिप पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी इन टिप्स में से कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।